वेलकम बैक टू हेवनली बॉन्ड। आज बेबी फूड में हम लेके आए हैं डिलिशियस सी कढ़ी बच्चों के लिए। कढ़ी हम सबकी फेवरेट होती है, मोस्टली सबको काफी ज्यादा पसंद होती है। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरह से बनाई जाती है। आज हम आपको अपने स्टाइल की बच्चों के लिए कढ़ी कैसे बनाएं ये बताने जा रहे हैं। स्पेशली मेरे बेबी आरव को ये पर्टिकुलर रेसिपी कढ़ी की बहुत ज्यादा पसंद है। वो कढ़ी चावल खाना काफी ज्यादा पसंद करता है। लंच के लिए तो ये काफी अच्छी रेसिपी है बच्चों के लिए। स्पेशली अगर समर्स की बात की जाए तो समर्स में तो कढ़ी काफी रिफ्रेशिंग भी होती है। चलिए फटाफट से ये रेसिपी सीख लेते हैं, अपने बच्चों के लिए इसको जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स में हमें अपने फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। रेसिपी अच्छी लगती हो तो लाइक करके सबके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर। आइए इस हेल्दी सी बच्चों के लिए सिंपल कढ़ी की इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक बड़ा चम्मच बेसन लिया हुआ है, साथ में एक कटोरी दही है, ये पतली दही है एकदम पानी वाली, और इसको हमने बहुत अच्छे से फेंट लिया है। अगर आप गाढ़ी दही ले रहे हो तो आधा कटोरी ही लो और फिर उसमें हम पानी मिक्स करके अच्छे से फेंट लेंगे। एक छोटी प्याज एकदम बारीक काट ली है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून मस्टर्ड सीड्स, हींग, टेबल सॉल्ट। साथ में कुकिंग के लिए हम थोड़ा देसी घी यूज करेंगे और थोड़ा सा और पानी चाहिए होगा। चलिए आइए फटाफट से ये रेसिपी बना लेते हैं। सबसे पहले एक बड़े बोल में हम बेसन ऐड कर लेंगे, उसके साथ इसमें हम ऐड कर देंगे दही जो हमने ली थी, और विस्क की मदद से इनको अच्छे से मिक्स करना है ताकि बेसन के कोई भी लम्ब्स ना बचे। जरूरत पड़ने पे इस पे आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। रेडी है, इसको साइड रख देते हैं। हमने ले लिया है एक पैन, अब इसमें हम ऐड कर देंगे एक बड़ा चम्मच देसी घी। आप चाहें तो कोई और कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं, बट बच्चों के लिए बना रहे हैं तो देसी घी हमेशा प्रेफरेबल होता है। घी हीट हो जाने पे इसमें हम हींग ऐड कर देंगे, साथ में मस्टर्ड सीड्स अच्छे चटकारे ले रही है, तब इसमें हम अनियंस ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से सौते कर लें। अनियंस भी अब हो गई हैं, इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। बस कुछ सेकंड्स के लिए इसको भून लेंगे। अनियंस अच्छी हो गई हैं, तो जो घोल हमने तैयार किया था दही और बेसन का वो ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही एक कप पानी और ऐड कर रहे हैं हम, और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए और फ्लेम को तेज कर दीजिए फर्स्ट बॉईल आने तक। ये ध्यान रखिए कि सॉल्ट हमें अभी तक भी नहीं डालना है, अभी लेटर डालना है, और कढ़ी को पूरे टाइम चलाते रहना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं तो ये फट सकती है। फर्स्ट बॉईल आ गया है, अब हमने फ्लेम को धीमा कर दिया है और कंटिन्यूअसली इसको हम चला रहे हैं। अराउंड 10 से 15 मिनट ये धीमी आंच पे ही ऐसे बॉईल हो रहा है और हम इसको लगातार चला रहे हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे सॉल्ट। सॉल्ट एक छोटा चम्मच हम ऐड कर रहे हैं, आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लीजिए। अगर बच्चे एक साल से कम के हैं तो आप सॉल्ट को अवॉइड करिए। वापस से अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब 2-3 मिनट में ये कढ़ी बनके रेडी हो जाएगी। अब ये अच्छा कुक हो चुका है, हमने अराउंड 15 से 16 मिनट इसको पकाया है। अब फ्लेम को बंद कर दीजिए और ये रेडी है बच्चों को देने के लिए। चावल और कढ़ी सबको ही बहुत पसंद आती है, बच्चों के लिए भी काफी अच्छा है, स्पेशली समर्स के लिए इसको जरूर ट्राई करिएगा। तो ये रेडी है बहुत ही बढ़िया सी कढ़ी बच्चों के लिए, इसको ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आए हो रेसिपी तो प्लीज लाइक करिएगा और सबके साथ शेयर करिएगा। कमेंट्स में अपने फीडबैक्स देना बिल्कुल मत भूलिएगा।